टीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद एमपी। तो मैं आज न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सर्दियों की तो ये सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है। तो मैं आज बना रही हूँ हॉट एंड सॉस सूप। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम हॉट एंड सॉस सूप बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। हॉट एंड सॉस सूप बनाने के लिए मैंने एक प्याली चिकन ले लिया है। मैंने बोनलेस चिकन नहीं लिया, मैंने लेग पीस का चिकन लिया है। मतलब कि इस चिकन से ज़्यादा अच्छा सूप बनेगा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने ये वाला चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है, मैंने ये वाला स्पून इस्तेमाल किया है। हसबे ज़रूरत हम सोया सॉस ऐड करेंगे और हसबे ज़रूरत हम विनीगर इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने एक प्याली बंद गोभी ले लिया है जिसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। ये मैंने हसबे ज़रूरत शिमला मिर्च ले ली है और हसबे ज़रूरत ही मैंने गाजर ले लिए हैं कुटी हुई। तो ये आप देख सकते हैं। साथ में मैंने ये एक अदद अंडा ले लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, ज़्यादा भर के नहीं लिया क्योंकि मैंने थोड़ा चिकन लिया है और हम थोड़ा सूप बना रहे हैं इसके लिए। साथ में मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च ले लिया है पीसी हुई और ये मैंने 3 ग्लास पानी ले लिया है। तो चले आए अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक सॉस पैन में पानी ऐड कर लूंगी जो मैंने 3 ग्लास पानी लिया था, मैंने सारा ऐड कर लिया। और इसमें मैं अब चिकन ऐड कर लेती हूँ और ये साथ में चिकन और ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया था जिसमें से मैं 1/2 टीस्पून नमक इसमें अभी ऐड कर लेती हूँ ताकि गोश्त में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक होने दूंगी और यखनी हम अपनी तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट के बाद देखते हैं, तब तक हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसके अंदर से चिकन निकाल लेती हूँ। यखनी के अंदर गाजरों को और बंद गोभी हमने इसे बॉईल करना है यखनी के अंदर। तो मैंने ये सब कुछ ऐड कर लिया है। तो मैं चिकन को रेशा रेशा कर लेती हूँ। इस तरह से हमने रेशा रेशा कर लेना है। तो चलिए मैं आपको करने के बाद दिखाती हूँ। रेशा रेशा कर लिया, ये आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा बड़े साइज़ में रखा है ताकि अच्छा सा टेस्ट आता रहे इसका भी। तो चलिए मैं इसको ऐड कर लेती हूँ यखनी के अंदर और जो मैंने वेजिटेबल्स फ्राई किए हैं, देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं वेजिटेबल्स और ये चिकन भी। मीडियम से हाई फ्लेम थोड़ी सी कर लेते हैं। अंदर ये काली मिर्च ऐड कर देती हूँ और नमक भी। अब इसे हमने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक करना है। फ्लावर के अंदर मैं 1 कप पानी ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं इसको सूप के अंदर ऐड कर लेती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर जो मैंने मिक्स किया पानी में ऐड करूँगी। इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि लम्स ना बने।
इसको आप जितना थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सूप थिक और अच्छा बनेगा। इसको हमने बस 2 मिनट तक हलाना है ताकि अच्छे से ये ठीक हो जाए। इसको हमने साथ साथ मिक्स करना है ताकि अच्छे से ठीक हो जाए। जितना सूप ठीक होता है उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो हम इसे ऐसे साथ साथ मिक्स करेंगे। तो अंडे की सफ़ेदी और जर्दी मैं पहले अलग कर लूँगी। क्योंकि हमने सूप के अंदर जर्दी नहीं डालनी, सफ़ेदी ऐड करनी है सिर्फ। तो मैं ये जर्दी साइड पे कर देती हूँ और हमने सफ़ेदी ऐड करनी है, तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जितनी अच्छी मिक्स होगी उतने से ही ज़्यादा अच्छे से जर्दी हमारे सूप में मिक्सअप हो जाएगी। तो चलिए हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो अब मैं इसके अंदर अंडा ऐड करती हूँ, जो मैंने अंडे की सफ़ेदी ली थी वो भी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अमेजिंग, आप देख सकते हैं शक्ल कितनी ज़्यादा लाजवाब आई है। इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। सोया सॉस ऐड करने लगी हूँ। मैंने ये 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड की है। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। टेबलस्पून मैं विनीगर ऐड कर रही हूँ। इसको अब मैं सिर्फ 1 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा कुक होने देती हूँ 1 मिनट के लिए। तो उसके बाद हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं, ठीक है। और सोया सॉस और विनीगर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है और कुछ को कम। तो आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी डालें। तो अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। अब सर्विंग के लिए विनीगर के अंदर ग्रीन चिली ऐड कर लेती हूँ और साथ में एक में सोया सॉस।
तो हमारा सूप, हॉट एंड सॉस सूप बिल्कुल तैयार है, तो मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ। अमेजिंग। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।